सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माय एफएम के संयुक्त तत्वाधान में ब्रेन ऑफ सिटी का एग्जाम शारदा विद्यालय रिसाली सेक्टर में भी आयोजित किया गया। बच्चों ने उत्साह पूर्वक यहां पर भाग लिया। भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा देने विद्यार्थी कितने परिपक्व हैं, कितने तैयार हैं व इन दो सालों में कोरोना के चलते उनकी पढ़ाई कितनी प्रभावित हुई है, इसका आकलन करने के उद्देश्य से ब्रेन ऑफ सिटी का एग्जाम सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माँ एफएम के द्वारा किया गया। नॉलेज पार्टनर के रूप में सचदेवा कॉलेज ने अपनी महती भूमिका निभाते हुए एग्जाम कंडक्ट कराया। दोनों ही टीम शारदा विद्यालय रिसाली पहुंची। विद्यार्थियों ने इस एग्जाम को लेकर उत्सुकता जहां जाहिर की तो वहीं शारदा विद्यालय की प्रिंसिपल ने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माँ एफएम की पहल को काफी कारगर बताया। So the exam was very good and the question paper was very good thanks to my FM and Sachdeva PT College. The questions were quite different and we cannot say it's difficult, but kinda easy also, and it was great examination. And myself Samir Kumar Sahu, and I am from Sharda Vidyalaya Risali, Sector Bhilai, District Durg. I am from Biology stream, PCB. And we have given today one exam which was conducted by MyFM 94.3 MyFM. My name is Rashi Soni and I am studying in class 12B. My school name is Sharda Vidyalaya. Sharda Vidyalaya school is a best school, I think so, because this school focus on overall development of the students. The faculty of this school is very nice. So myself Piyush Mishra and I am from class 12th. I'm a commerce student and I would like to thank my school Sharda Vidyalaya Risali for giving me this opportunity to learn something new and recapitulate all old things which we have learned in class 11. I also would like मैं हूँ सुतापा सरकार, प्रिंसिपल शारदा विद्यालय रिसाली। आज हमारे यहाँ ब्रेन ऑफ भिलाई सिटी का एग्जामिनेशन हुआ जो कि माई एफएम और न्यू सचदेवा पीटी कॉलेज की तरफ से करवाया गया। बच्चों को हमने 15 डेज पहले ही इस एग्ज़ाम के बारे में बता दिया था और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे इस एग्ज़ाम को लेकर। और जब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे तब मैं क्लासरूम में जाकर मैंने फिज़िकली देखा भी, बच्चे काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ क्वेश्चंस बना रहे थे। और आफ्टर एग्ज़ाम्स मैंने पूछा भी कैसा पेपर हुआ, तो बच्चों ने यही कहा कि सब्जेक्ट रिलेटेड जो उन्होंने लास्ट ईयर जो पढ़ाई की है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे और उन्होंने अच्छे से पेपर बनाया। बच्चों में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस तरह का ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ। OMR फॉर्म में OMR में बच्चों ने आंसर्स मेंशन किए, वो बच्चों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years। सो दैट वाज रियली वंडरफुल एंड गुड इनिशिएटिव बाय माय एफएम टू कंडक्ट सच एग्जामिनेशंस। आफ्टर अ मंथ वी हैव आर मिड टर्म एग्जाम्स ऑल्सो, तो वो एक बच्चों के लिए एक प्रिपरेशन उस तरह का अभी से शुरू हो गया। एक एग्ज़ाम का जो एक टाइम आता है उस समय बच्चे जिस तरह के प्रिपरेशन माइंडसेट में आ जाते हैं वो एक बच्चों में अब दिखना शुरू हो गया। अभी तक जो था जुलाई अगस्त का महीना काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस स्कूल में चल रहे थे, अब बच्चे जो है कंप्लीट एग्जामिनेशन मोड में धीरे धीरे आने लगे हैं। ब्रेन ऑफ सिटी के एग्जाम में कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी काफी उत्साहपूर्वक परीक्षा देते नजर आए। निश्चित ही ब्रेन ऑफ सिटी का एग्जाम विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।